अपने विचित्र अस्त्रों और दिव्य एवं मायावी शक्तियों से सुसज्जित वो बहुत ही शक्तिशाली और भयंकर है। अयोध्या की सेना के वहां पहुंचने तक हनुमान एकाकी उनका सामना कैसे करेंगे? हनुमान जी ने तो अकेले ही समुद्र लांघा था, अकेले ही लंका दहन किया था, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, वो तो अकेले ही इन गंधर्वों का सामना कर लेंगे, क्योंकि संकट जिनके समक्ष टिक नहीं सकते ऐसे हैं हमारे संकटमोचन महाबली हनुमान। संकटमोचन महाबली हनुमान, बहुत ख्याति सुनी है तुम्हारी। तब तो तुमने ये भी अवश्य सुना होगा कि प्रभु कृपा से ये हनुमान प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध किसी को भी अयोध्या में प्रवेश कर यहाँ की सीमा में एक पग भी नहीं रखने देता। हाँ हाँ सुना है, राम दुआरे तुम रखवारे। किंतु तुम क्या इस भ्रम में हो कि हमारी इतनी विशाल सेना को एकाकी ही रोक लोगे? हम कोई साधारण असुर या भूत पिशाच नहीं, गंधर्व हैं, और मैं हूँ इस गंधर्व सेना का सेनापति दामुख। हम गंधर्व राज दिव्य हस्त के आदेशानुसार अयोध्या से युद्ध जीत को लेकर ही जाएंगे, ताकि महाराज अपने हाथों से उस कायर के प्राण उसके तन से विलक कर सकें। आप लोगों ने रघुवंश के संबंधी को हानि पहुंचाकर पूर्व में ही दुस्साहस कर चुके हैं। अब यदि आपने अयोध्या की ओर एक पग भी बढ़ाने का और दुस्साहस करने की चेष्टा की, तो आपका ये पग आपको आपकी मृत्यु के अत्यंत समीप ले जाएगा। प्रतीत होता है तुम्हारी वानर बुद्धि मेरी बात समझने में असमर्थ है। कदाचित हमारी शक्ति हम गंधर्वों से परास्त होने पर ही समझ सकोगे तुम। अयोध्या पर आक्रमण करो और इस वानर को मसल कर रख दो। प्रतीत होता है इन गंधर्वों के पास विचित्र मायावी अस्त्र शस्त्र हैं। इनके आयुध तो नष्ट ही नहीं हो रहे, मुझे और शक्ति लगानी होगी। इनकी गदाओं की चमक से मेरे नेत्र चौंधिया रहे हैं, इन्हें देख पाना कठिन हो रहा है। मेरी गदा के प्रहार से मेरे विरोधी योद्धा के अस्त्र शस्त्र या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर अंतरिक्ष में जाकर लुप्त हो जाते हैं, किंतु इनकी गदाएं तो सुरक्षित शक्तिशाली और प्रकाशित कैसे होती जा रही हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? तुम तो हमारे अस्त्रों को भी नष्ट नहीं कर पा रहे हो हनुमान, तो हमें क्या हानि पहुंचाओगे? यदि इन्हें देख पाना कठिन है तो इनकी ध्वनि सुनकर ही वार करना होगा मुझे। Hmm.
इनकी बढ़ती चमक और ध्वनि से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये नष्ट ही नहीं हो रही, अपितु इनकी शक्ति में और वृद्धि होती जा रही है। अब मैं क्या करूं? आप सबने अवश्य मुझे आश्वस्त किया है, किंतु मैं अब भी चिंतित हूं। हनुमान उनका सामना कर भी पाएंगे? आप चिंता मत कीजिए मामा श्री, हमारी सेना शीघ्र ही तैयार हो जाएगी, फिर मैं सेना को लेकर हनुमान जी की सहायता के लिए पहुंच जाऊंगा। हम सब मिलकर उन गंधर्वों को खदेड़ देंगे और आपके राज्य को उनके आतंक से मुक्त करा देंगे। तब तक मुझे हनुमान जी की सहायता के लिए जाना चाहिए। जब तक सेना यहाँ से कूच के लिए तैयार होती है, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए मामा श्री। तनिक भी विश्राम का अवसर नहीं देंगे हमारे अस्त्र तुम्हें, तुम उनसे ही संघर्ष करते रह जाओगे और हम तुम्हारे नेत्रों के समक्ष अयोध्या से युद्ध जीत को ले जाएंगे। ये तुम्हारा भ्रम है। हाँ, अब ये बालक कौन है? ऐसा कभी नहीं कर सकोगे तुम लोग। ये तो राजकुमार पुष्कर का स्वर है, वो यहाँ क्यों है? इनके विचित्र अस्त्रों का सामना नहीं कर सकेगा पुष्कर। लो, एक और योद्धा आया है हम गंधर्वों के हाथों मृत्यु पाने। पुष्कर यहाँ है, मुझे शीघ्र इनके अस्त्रों को नष्ट कर पुष्कर को सावधान करना होगा, अन्यथा पुष्कर संकट में आ जाएगा। हनुमान जी, मैं बाण किस पर लक्षित करूं? मुझे तो बस मुख, अस्त्र और हाथ ही दिखाई दे रहे हैं। पुष्कर, ये गंधर्व भी मायावी हैं और उनके अस्त्र भी, इसलिए यहां रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। लौट जाओ तुम यहां से, और जब तक मैं ना इनसे निपट लूं, किसी को भी यहां आने मत देना। मैं इनका कोई उपाय अवश्य करूंगा। पुष्कर, तुम लौट जाओ। अवश्य इन गंधर्वों ने पुष्कर को घेर लिया है, मुझे ही कुछ करना होगा। पुष्कर, उनके अस्त्रों पर वार मत करना। मैंने कहा था ना, हम कोई साधारण राक्षस या तुच्छ शत्रु नहीं, जिन्हें तुमने पूर्व में पराजित किया है। गंधर्व हैं हम, जिनके हाथों तुम उस युद्ध जीत की रक्षा करने के लिए व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाओगे।
हनुमान जी ने उचित कहा था, मुझे गंधर्वों के अस्त्र शस्त्र पर वार नहीं करना चाहिए था। अभी इन अस्त्रों को नष्ट करने से अधिक पुष्कल की रक्षा का उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। जय श्री राम। वानर क्या कर रहा है? राजकुमार पुष्कल, अपने गुरु सूर्यदेव की कृपा और उनसे प्राप्त शिक्षा के अनुसार मैंने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र स्थापित कर दिया है। जब तक मैं इनके मायावी अस्त्रों को नष्ट करने का उपाय न ज्ञात कर लूं, तुम इस चक्र के बाहर कदापि नहीं निकलना। हमारे मायावी अस्त्रों को नष्ट नहीं कर सकेगा ये वानर। उसे उन्हीं में उलझा रहने दो, हमें युद्ध जीत को लेकर लौटना है। प्रतीत होता है इस स्वर से तो गंधर्व और शक्ति एकत्रित करने की चेष्टा कर रहे हैं। हनुमान जी और पुष्कल को हमारी सहायता की आवश्यकता है, हमें शीघ्र निकलना चाहिए। आज जो भी तुम्हारी इस अयोध्या नगरी से हमारे मार्ग में बाधा बनेगा, चाहे वो स्वयं राजा राम ही क्यों ना हो, उनको पराजित करेंगे हम। इसके मुख से प्रभु के प्रति अपमानजनक शब्द कदापि स्वीकार नहीं करूंगा मैं। अर्थात ये सभी अस्त्र तभी तक सक्रिय रहेंगे जब तक उनको चलाने वाले सक्रिय हैं। अब देखना दुष्ट गंधर्व सेनापति दामुख कि हनुमान क्या करता है। अब ऐसा कुठारा घात होगा इस वानर पर कि ये धाराशाही होकर गिर पड़ेगा। वानर हमारे अस्त्रों को विफल करने का प्रयास कर रहा है। हुँ? 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 हुँ?
अब इनके अस्त्रों को संभालने का उपाय मिल गया है मुझे। हनुमान जी ने इन्हें गिराने का उपाय ढूंढ ही लिया है, कदाचित मुझे भी उनकी सहायता करनी चाहिए। हनुमान मेरे मायावी गंधर्व सैनिकों को क्षतिग्रस्त करने में कैसे सक्षम हो पा रहा है? प्रतीत होता है इस वानर को हमारे अस्त्रों का गुप्त रहस्य ज्ञात हो गया है। मैं उसे उलझा कर रखता हूँ। इस मध्य तुम कुछ सैनिकों के साथ उस युवा योद्धा का हरण कर लो। हम उसे ही बंदी बनाकर गंधर्व राज के पास ले जाएंगे। तुम्हें कम आंकना मेरी भूल थी हनुमान, किंतु ये मत समझना कि हमारे कुछ सैनिकों को धराशायी कर तुमने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है। युद्ध तो अभी प्रारंभ होगा हनुमान। चलो इस युवक योद्धा को ले चले अपने साथ। प्रतीत होता है ये तो किसी अदृश्य सुरक्षा चक्र से सुरक्षित है। तब तो सर्वप्रथम किसी युक्ति के साथ ही इस सुरक्षा घेरे से इसे निकालना होगा। अरे ये युवक तो सुरक्षित है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो लौट कर उस वानर पे ही वार करते हैं। हम पीछे से वार करेंगे उस पर। मुझे तो इसे तभी तक उलझा कर रखना है जब तक मेरे सैनिक अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेते। ये वानर कहीं मुझ तक ना पहुंच जाए। सैनिकों वार करो इस पर। दुष्टों को हनुमान जी के पीछे से वार नहीं करने दूंगा मैं। इनके अस्त्रों को प्रभावहीन करने का उपाय मुझे भी ज्ञात हो ही गया है, तो मुझे भी हनुमान जी की सहायता करनी चाहिए। फंस गया हमारे जाल में, अब फंसोगे हमारे फांस में। अरे तो ये क्या इनका छल मात्र था मुझे उस सुरक्षा चक्र से निकालने के लिए? मेरे सैनिकों ने और विलंब किया तो इस वानर को रोकना अत्यंत कठिन हो जाएगा। अपना कार्य शीघ्र संपन्न करो मूर्खो, अन्यथा हम संकट में आ जाएंगे। बंदी बना लो, फांस तोड़ने ना पाए ये हमारी। मत जाने दो इसे। दामुख अब तुम्हारा अंत करूंगा मैं। समय रहते बंदी बना लिया हमने इसे। वानर, हम अपने उद्देश्य में सफल हो गए। हमारा कार्य पूर्ण हुआ। ये किस कार्य के पूर्ण होने की बात कर रहे थे? युद्ध जीत जीतो, अयोध्या में सुरक्षित है। पुष्कर, भरत भैया आप यहाँ? किंतु पुष्कर कहाँ गया? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की
सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। किसी भी आकस्मिक विपदा काल में अपने निकटतम सगे संबंधियों से सहायता लेना ही बुद्धिमानी का कार्य है।